الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना अपनी आयात के साथ अपने मोजज़ात के साथ अन अखरिज कौमका ये के आप निकालिए कौमका अपनी कौम को मिनज़ ज़ुलुमात अंधेरों से इलन नूरी नूर की तरफ वज़क्किरहुम भी अय्यामिल्लाह और आप नसीहत कीजिए उन्हें भी अय्यामिल्लाह अल्लाह के दिनों के साथ इन फ़ी ज़ालिका लआयात लिकुल सब्बारिन शकूर बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं लिकुल सब्बारिन शकूर हर उस शख्स के लिए जो बहुत सब्र करने वाला बहुत शुक्र करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा अपनी आयात के साथ। आयात से मुराद मोजज़ात हैं जो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। इससे मुराद असाए मूसा यद बैज़ा जो मशहूर मोजज़ात हैं वो मुराद हो सकते हैं। इसी तरह इससे मुराद वो नौ निशानियां नौ मोजज़ात हो सकते हैं जो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, जिसका ज़िक्र सूरह बनी इसराइल में है दीगर आयात में भी। वलक़द आतीना मूसा तिसअ आयातिन बय्यिनात वो मोजज़े भी हो सकते हैं। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा अपने मोजज़ात के साथ। क्या किस लिए भेजा, किस मकसद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को? अन अखरिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर के आप निकालिए अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ। यानी हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह ताला ने ये किताब इसलिए उतारी है सूरह इब्राहिम के शुरू में, किताब अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर किताब इसलिए उतारी है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ निकालें। अब यहाँ अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मोजज़ात के साथ भेजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजने का मकसद यही था। होया कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसीलिए भेजा था कि वो अपनी अपनी कौमों को अंधेरों से नूर की तरफ निकालें। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम के लिए भेजा, इसी तरह अल्लाह ताला ने दीगर अंबिया को भी, पिछले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी इसी काम के लिए भेजा था कि वो लोगों को कुफ्र शिर्क और गुमराहियों से इस्लाम के नूर की तरफ, हिदायत की तरफ, अल्लाह की इताअत की तरफ वो लोगों को ले आएँ, लोगों की रहनुमाई करें। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह और फरमाया और नसीहत करें उन्हें, यानी ए मूसा आप नसीहत करें उन्हें भी अय्याम अल्लाह अल्लाह के अय्याम के साथ। अय्याम यौम की जमा है। ऐ मूसा आप नसीहत करें उन्हें अल्लाह के अय्याम अल्लाह के दिनों के साथ। अल्लाह के दिनों से मुराद क्या है? अल्लाह के दिनों से मुराद अल्लाह की नेमतों के दिन हैं, वो दिन जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इनाम किया या जिस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के दुश्मनों पर अजाब नाजिल किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी उनका जो फरीज़ा मुकर्रर किया, एक तो ये मुकर्रर किया कि अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ निकालिए और कहा कि अपनी कौम को नसीहत करें अल्लाह के दिनों के साथ, यानी अल्लाह की नेमतों के साथ। बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बड़ी आजमाइशें आईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शुरू दौर में भी बड़ी आजमाइशें आईं, लेकिन फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर
बड़े एहसानात किए। पहले बनी इसराइल को आज़ादी मिली फिरौन के चुंगल से, और अल्लाह ताला ने उनके सबसे बड़े दुश्मन को उनके सामने गर्क कर दिया, अल्लाह लश्कर समेत। फिर अल्लाह ताला ने बड़े इनामात फरमाए, फिर अल्लाह ताला ने सहरा में उनके ऊपर मन और सलवा नाजिल किया, अल्लाह ने बादलों का साया किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए पानी के चश्मे जारी किए, और अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें की उन पर, जिसका जिक्र कुरान करीम में जगह जगह मौजूद है। तो ऐ मूसा अलैहि सलाम, इन्हें नसीहत कीजिए बनी इसराइल को अल्लाह के अय्याम के साथ, उन दिनों के साथ जिनमें अल्लाह ने बड़े इनाम किए हैं इन पर। तो अल्लाह के अय्याम से मुराद वो दिन भी हो सकते हैं जिन पर इनामात हुए, और अल्लाह के अय्याम से मुराद वो दिन भी हो सकते हैं जिनमें अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ हुई अल्लाह के नाफरमानों पर। असल में अल्लाह के इनामात और अल्लाह के एहसानात पढ़कर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता है, और गोया कि अल्लाह की तरफ से ये दावत होती है कि अगर तुम भी इसी तरह के काम करोगे तो तुम पर भी अल्लाह की नेमतें होंगी, मज़ीद होंगी। और अल्लाह के दुश्मनों पर जो अल्लाह के अजाब हुए, वो वाक़यात पढ़कर ये सबक मिलता है, इबरत मिलती है, और ये सबक मिलता है कि हमें वो काम नहीं करने जो अल्लाह के दुश्मनों ने किए, जिनकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब उतरा। तो ये मुज़क्किर हूँ भी अय्यामिल्लाह, तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, ये एक बहुत अहम तरीक़ेकार है दावत का, एक बहुत अहम सबक है दावत का। आप देखिए, कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा पिछले किस्सों पर मुश्तमिल है। उस पिछले किस्सों में अल्लाह ताला ने अल्लाह के अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे, अल्लाह ने ज़िक्र किया कैसे उन पर आजमाइशें हुई, लेकिन फिर आखिरकार अल्लाह ने ज़िक्र किया कैसे आखिरकार अल्लाह ने उनकी मदद की, कैसे अल्लाह के फिर उन पर इनामात हुए। वलआक़िबतु लिलमुत्तकीन, हमेशा अल्लाह ताला ने नबियों को और ईमान वालों को, अल्लाह ताला ने आखिर में उनको गलबा दिया। ये तज़कीर भी अय्यामिल्लाह है। इसी तरह अल्लाह ताला जब पिछले किस्से बयान करते हैं कुरान करीम में, तो उसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि कैसे जो अल्लाह के नाफरमान थे, चाहे वो तादाद में कितने ज़्यादा ही क्यों नहीं थे, कैसे उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। ये भी तज़कीर भी अय्यामिल्लाह में शामिल है। इससे इंसान को इबरत होती है कि हमने ऐसे काम नहीं करने, जिस तरह फिरौन के बारे में इन नफ़ी ज़ालिक लइबरत लिमन यख्शा, कि फिरौन के किस्से में, हज़रत मूसा और फिरौन के किस्से में इबरत है उस शख्स के लिए जो डरता है। तो अल्लाह की नेमतों के दिन हों या अल्लाह के दुश्मनों पर अल्लाह के अज़ाब का ज़िक्र हो, ये सब तज़कीर भी अय्यामिल्लाह है, और कुरान करीम में अल्लाह ने इसका बहुत ज़िक्र किया है। पिछले अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म था, यही हुक्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। इससे पता लगता है कि वाज़ो नसीहत में, तज़कीर में अय्यामुल्लाह का ख़ास ज़िक्र है, ख़ास फ़ायदा है। पुराने किस्से बयान करने चाहिए सही, उसके ज़रिए बहुत नसीहत मिलती है नेक लोगों पर जो अल्लाह के इनाम हुए, और अल्लाह के नाफरमानों पर जो अल्लाह की तरफ से सज़ाएँ उतरी। ये दोनों हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है, और वाज़ो तज़कीर में इनका एक बड़ा किरदार है। इन नफ़ी ज़ालिक लआयात लिकुल सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें, इस तज़कीर भी अय्यामिल्लाह में, अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह के मानने वालों पर हुई और अल्लाह की सज़ाएँ जो अल्लाह के नाफरमानों पर हुई उतरी, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं हर उस शख्स के लिए जो बहुत सब्र करता है, बहुत शुक्र करता है। सब्बारिन, ये भी मुबालगे का सीगा है, बहुत सब्र करने वाला, और शकूर फ़ाउल, ये वज़न भी मुबालगे का है, ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। अल्लाह ने दो सिफ़ात बयान फरमाई हैं कि जिन लोगों की ये सिफ़ात हों तो उन लोगों के लिए इसमें, तज़कीर भी अय्यामिल्लाह में, बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी निशानियाँ हैं।
किस शख्स के लिए? हर उस शख्स के लिए जो बहुत सब्र करने वाला है, बहुत शुक्र करने वाला है। इसका मतलब है जो बहुत सब्र करेगा, बहुत शुक्र करेगा, उससे तज़कीर भी अय्यामिल्लाह से उसे सबक मिलेगा, उसके लिए उसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ होंगी। लेकिन जो सब्र नहीं करता, शुक्र नहीं करता, उसके लिए पुराने किस्सों में उस तरह करके निशानियाँ नहीं है, वो उन किस्सों से फ़ायदा नहीं उठा पाता। बल्कि वो क्या करता है कि वो उन किस्सों को का मजाक उड़ाता है। जो सब्र करने वाला नहीं है, जो शुक्र करने वाला नहीं है, वो उन किस्सों को असातीरुल अव्वलीन कहता है। तो कौन है बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला, और वो कौन है जो सब्र और शुक्र नहीं करता? असल में बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला, ये मोमिन की दो बड़ी सिफात हैं, बहुत सब्र करना और बहुत शुक्र करना। इससे मुराद मोमिन है। असल में यहाँ दो सिफात का जिक्र हुआ, मोमिन का ईमान का जिक्र नहीं हुआ। कुरान करीम में कई जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिलमुमिनीन, बेशक इसमें मोमिनीन के लिए निशानियाँ हैं, मुत्तकीन के लिए निशानियाँ हैं, मुहसिनीन के लिए निशानियाँ हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक इसमें यानी तज़कीर बिअय्यामिल्लाह में बहुत सब्र और बहुत शुक्र करने वाले के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। तो यहाँ दो बड़ी सिफात बयान करके असल में अल्लाह ताला ने, मुफस्सिरीन किराम कहते हैं, मोमिन मुराद लिया है, क्योंकि मोमिन की ये दो अजीम तरीन अलामतें हैं, दो अजीम तरीन सिफात हैं, मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्र। ये दो इतनी बड़ी सिफात हैं कि जिसमें ये सिफात पाई जाएँ वो मोमिन है, और जिसमें ये सिफात न पाई जाएँ वो गोया के मोमिन नहीं है। तो जो मोमिन होगा, सब्र शुक्र करने वाला, उसको पुराने किस्सों से बहुत फ़ायदा हासिल होगा, बड़ी वाज़ो नसीहत मिलेगी, बड़ी याद दहानी होगी। लेकिन जो सब्र शुक्र करने वाला नहीं है, गोया के जो मोमिन नहीं है, वो किस्सों को, जैसे मैंने कहा कि वो उन किस्सों को असातीरुल अव्वलीन करार देगा, वो कहेगा कि वो किस्सों पर एतराज़ करेगा, जिस तरह मुशरिकीन और कुफार कई बातों पर एतराज़ करते थे, जी जहन्नम के ऊपर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जी 19 क्यों हैं, ये अल्लाह ने मिसालें पेश की हैं, तो इन मिसालों में अल्लाह ने मच्छर, मक्खी, मकड़ी की मिसालें क्यों पेश की हैं। तो इसी तरह जो लोग सब्र शुक्र करने वाले नहीं हैं, यानी जो लोग मोमिन नहीं हैं, तो वो लोग ये किस्से पुराने तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, वो इससे नसीहत हासिल करने की बजाय, जो अगरचे बहुत बड़ी नसीहत है, लेकिन वो इससे नसीहत हासिल करने की बजाय वो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। फिर अल्लाह भी उन्हें गुमराह कर देते हैं, अल्लाह भी फिर उनकी मत मार देते हैं। यहाँ सब्र और शुक्र की अहमियत का पता लगा इस आयत करीमा में। मैंने कहा कि सब्र शुक्र से मुराद यहाँ ईमान है, क्योंकि मोमिन की दो बड़ी सिफात हैं। असल में आप देखिए कि एक शख्स की दो ही हालतें होती हैं दुनिया में, या मुसीबत की, या उस पर कोई मुसीबत होगी, या उसके ऊपर कोई रहमत होगी, या अच्छे हालों में होगा या बुरे हालों में होगा, दो ही हालतें हो सकती हैं ना, कोई तीसरी हालत तो नहीं हो सकती। या अच्छे हालों में होगा या बुरे हालों में होगा, तो बुरे हाल में मोमिन का काम है वो सब्र करें, बुरी तकदीर, यानी वो समझ रहा है कि बुरे हालात हैं, मेरे लिए मुश्किल हालात हैं, वो अल्लाह को पता है कि उसके लिए ये मुश्किल, ये बुरे हालात हैं कि अच्छे हालात हैं। हम बाज़ दफ़ा ये चीज़ को बुरा समझ रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे हक में फ़ायदा मंद होती है, वासान तक रहू शेयम व खैरुल्लकुम। हम बाज़ दफ़ा ये चीज़ को अच्छा समझ रहे होते हैं, नेमतों को, और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वासान तुहिब्बू शेयम व शरुल्लकुम। तो दो ही हालतें होती हैं किसी इंसान की, या मुसीबत या नेमत वाली हालत। एक मोमिन जो है ये दोनों हालतों को अल्लाह का हुक्म समझता है, अल्लाह की तकदीर समझता है। ईमान के अरकान में आखिरी रुकन ईमान बिलकदर है, तकदीर पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान क्या है, यही है। देखिए अल्लाह का फैसला तो बुरा होता ही नहीं है, तकदीर तो अल्लाह का फैसला है, वो बुरा होता ही नहीं है, उसको अच्छी बुरी तकदीर क्यों कहा जाता है? बिलकदर ही खैर ही वशर्री अंतु मिन बिलकदर ही खैर ही वशर्री, उसको अच्छा बुरा हमारे अतबार से कहा जाता है।
हम बाज़ दफ़ा एक चीज़ को अपने हालात के अतबार से अच्छा समझ रहे होते हैं, हम बाज़ दफ़ा एक चीज़ को अपने हालात के अतबार से बुरा समझ रहे होते हैं। जी मुसीबत आ गई, बीमारियाँ आ गईं, मुश्किल आ गई, हमें नहीं पता कि वो हमें मुश्किल लग रही है, उसमें अल्लाह की तरफ से कितनी खैर है। मैं युरीदिल्लाहु भी खैर सब मिन हूँ, अल्लाह जिस सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह जिससे खैर का इरादा करते हैं अल्लाह उसको मुसीबत में मुबतला कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, बड़े अज़ाब से पहले हम छोटी छोटी ठोकरें लगाते रहते हैं, क्यों? ताकि लोग लौट आए अल्लाह की तरफ। जो लौट आएगा तो उसके लिए रहमत बन जाएगी ये छोटी छोटी ठोकर। तो इंसान के या मुश्किल हालात होते हैं उसमें इंसान ने सब्र करना है, अगर वो मुश्किल हालात में सब्र करेगा तो ये मोमिन का रवैया है, अल्लाह से शिकवे शिकायत नहीं करेगा, खंदा पेशानी से उस आजमाइश को बर्दाश्त करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि सब्र करने से मुराद फौरी सब्र करना है, ये नहीं कि इंसान वेला करे, जजा फजा करे, चीखो पुकार करे, शिकवे शिकायतें करे अल्लाह ताला की, और जब थक हार जाए 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, फिर तो वैसे ही सब्र आ जाए, फिर तो काफिर को भी सब्र आ जाता है, काफिर भी खामोश हो जाता है जो अल्लाह की तकदीर पर ईमान नहीं रखने वाला, ये सब्र नहीं होता। फिर इंसान कुछ अरसे के बाद खामोश हो जाए, ये सब्र नहीं होता। अस्सब्र इंद सदमतिल उला, सब्र जब फौरी सदमा हो उस वक़्त सब्र होता है। तो मुश्किल हालत दो ही हालतें हैं, या मुश्किल हालत उसमें सब्र अगर एक इंसान करे तो ये ऐन ईमान है, ये ईमान की निशानी है। और अगर दूसरी हालत, दो ही हालतें होती हैं, नेमत की हालत, इंसान पर ज़ाहिर नेमतें हों, तो अब नेमत भी हमेशा बुरी नहीं होती। हम समझते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी नेमत में तो इंसान दूर हो जाता है अल्लाह ताला से, भाई नेमत हर हालत में बुरी नहीं होती। नेमत में एक मोमिन का किरदार क्या है कि वो शुक्र करता है, वो तकब्बुर नहीं करता, वो आपे से बाहर नहीं होता, फ़ख्र व गुरूर नहीं करता, वो और आजिज़ हो जाता है, ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करता है, अमलन शुक्र करता है। ये भी ईमान की निशानी है बहुत बड़ी कि नेमत में शुक्र। तो दो ही हालतें हैं, मुसीबत की और नेमत की, तो मोमिन दोनों हालतों में वो रवैया अख्तियार करता है जो अल्लाह को पसंद है, मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्र, इसी को कहते हैं लिकुल सब्बारिन शकूर। तो गोया कि ये असल में इन फ़ी ज़ालिका लआयात लिकुल सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियाँ हैं तज़कीर बेअयामिल्लाह में हर बहुत सब्र बहुत शुक्र करने वाले के लिए, क्या मतलब ईमान वालों के लिए। ये मोमिन की दो बड़ी सिफात हैं, यही दो हालतें होती हैं मोमिन की। काफिर का रवैया इन दोनों हालतों में उल्ट होता है। काफिर क्या करता है कि वो मुसीबत जब आती है तो वो जजा फजा करता है, शिकवा शिकायत करता है, सब्र नहीं करता, वावेला करता है, मखलूक से शिकवे शुरू कर देता है। और जब नेमत आती है तो वो क्या करता है कि वो नेमत आने पर फ़ख्र व गुरूर शुरू कर देता है, क़ारून की तरह, फिरौन की तरह, नमरूद की तरह, वो अकड़ जाता है, मैंने अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियतों से ये चीज़ कमाई। तो ये काफिर का रवैया है। तो बहरहाल मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्र, ये मोमिनों की सिफात और बहुत अजीम सिफात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही हदीस मुबारक में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अजबन लि अम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है, इन्ना अम्रहु कुल्लहु खैर, मोमिन का तो हर मामला ही खैर होता है। ये सही हदीस है सही मुस्लिम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम हदीस नंबर 2999, अजबन लि अम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इन्ना अम्रहु कुल्लहु खैर, उसका हर मामला ही खैर होता है, मोमिन है ना, हर उसका मामला खैर है, मुसीबत हो तब भी खैर है, नेमत हो तब भी खैर है। वलैसा ज़ालिका लि अहदिन इल्ला लिल मुमिन, ये चीज़ किसी को हासिल नहीं हो सकती सिवाय मोमिन के, ये सिर्फ मोमिन को ही ये चीज़ हासिल होती है।
दो ही हालतें होंगी, मुसीबत या नेमत। मोमिन का रवैया दोनों हालतों में अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है। इन असाबत हूँ सर्रा उ शकरा, अगर उसे कोई नेमत मिले, खुशी मिले, तो वो शुक्र करता है, तो ये उसके लिए बेहतर होता है। वही नसाबत हूँ दर्रा उ सबरा, और अगर उसे कोई मुसीबत आए तो वो सब्र करता है, फ़काना खैर अल्लाह, ये भी उसके लिए बेहतर है। दो ही हालतें हैं, दोनों हालतों में मोमिन का रवैया कंट्रोल वाला होता है अपने आप पर। सब्र व शुक्र, सब्र और शुक्र दोनों कंट्रोल के रवैये हैं, लेकिन काफिर का मामला दोनों में उल्टा है। मुसीबत में मायूस हो जाएगा, जजा फजा शुरू कर देगा, और नेमत में मुतकब्बिर हो जाएगा। दोनों हालतों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है काफिर। एक मोमिन जो अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है, वो कभी मुसीबत में जजा फजा नहीं कर सकता और कभी नेमत में तकब्बुर नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक मोमिन को पता है कि मुझे जो मुसीबत आई है ये अल्लाह ताला ने बहुत पहले, मेरी पिदाई से भी पहले, बल्कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से भी पहले अल्लाह ने लिख दी थी, तो एक मोमिन उसमें वो उसको अल्लाह का फ़ैसला समझ कर, अल्लाह की तकदीर समझ कर, अल्लाह का फ़ैसला मेरे हक में बेहतर ही होगा, वो सब्र कर लेता है। और अगर एक उसे कोई नेमत मिलती है, वो उसको अपनी सलाहियत नहीं समझता, वो मुतकब्बिर नहीं होता, क्योंकि उसे अल्लाह की तकदीर पर ईमान होता है। वो समझता है कि ये नेमत मेरी सलाहियत की वजह से नहीं, ये अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल का मुझ पर, अल्लाह ने मेरी पैदाइश से पहले, ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने मेरे हक़ में ये नेमत लिख दी थी, मेरा कोई कमाल नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र गुज़ार होता है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा। सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने यही बात बड़े वज़ अंदाज में फरमा दी कि जो मुसीबत आती है, ज़मीन में कोई मुसीबत आए, तुम्हारी जानों में कोई मुसीबत आए, तुम्हारे नफ्सों में, वो एक किताब में है, यानी लोहे महफूज में, मिन क़ब्ल अन नबरअहा, उसको पैदा करने से भी पहले लोहे महफूज में लिखी हुई है। इन्ना ज़ालिका अला अल्लाह यसीर, और ये चीज़ अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह को तो अज़ल से पता है। और इस बात को जानने का और इस पर ईमान रखने का कि अल्लाह ने हर चीज़ पहले से लिख रखी, फ़ायदा क्या है? लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहु बिमा आताकुम, ताकि अगर तुमसे कोई चीज़ छिन जाए तो तुम उस पर अफसोस ना करो, जजा फजा ना करो, मायूसी का इजहार ना करो। वला तफ़रहु बिमा आताकुम, और तुम उस चीज़ पर इतराओ नहीं जो अल्लाह तुम्हें दे। इतना ज़बरदस्त तालीमात हैं हमारे दीन की, फितरी और ज़बरदस्त, और एक मोमिन इन तालीमात के मुताबिक अमल करता है। और ये मसला हमारे ईमान का है, ये छोटी बात नहीं है, ये ईमान के छः अरकान में चीज़ शामिल है। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल यौमिल आखिर, और ईमान बिल क़दर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। और जो बंदा ये रवैया अख्तियार नहीं करता, गोया कि उसका तकदीर पर ईमान कमज़ोर है, तो ईमान का मसला है। और ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है मोमिनों पर, तकदीर पर ईमान, हर चीज़ पहले से अल्लाह ने लिख रखी है। अगर हमारा तकदीर पर ईमान हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत में इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है इस ईमान की वजह से कि जी अल्लाह ने पहले से लिख रखी है, और अल्लाह के इस काम में कोई ना कोई खैर होगी। काफिर को ये चीज़ कभी हासिल नहीं हो सकती, काफिर उस हसरत में मुबतला हो जाता है मुसीबत में, वो कभी उस हसरत से निकल ही नहीं सकता। काफिर का कोई अजीज़ फौत हो जाए, उसको सब्र कहाँ से आएगा? उसको तो नहीं पता कि मैं सब्र करूँगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, जन्नत लेनी हो तो गुफर ही क्यों करे वो। लेकिन एक मोमिन को मुश्किल आती है, वो कहता है मैं सब्र करूँगा मुझे जन्नत मिलेगी, अल्लाह ने पहले से लिख रखा है मेरे लिए, और अल्लाह मेरे मुखालिफ नहीं है, अल्लाह मेरे दुश्मन नहीं है, अल्लाह माओ से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो ये तकदीर पर ईमान अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने जंगे अहद के बाद आयत है सूरह आले इमरान की, या अय्युहल लदीन आमनु ला तकूनु कल लदीन कफरू व क़ालू लिख्वानिहिम इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, तुमने उन लोगों की तरह नहीं होना, कुफ्फार की तरह, मुनाफिकीन की तरह, जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा जब वो निकलने लगे या जब वो गाजी बन के वापस लौटे
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, جب وہ لڑائی کے لیے نکلے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے, یہ نہ جاتے لڑائی میں, تو یہ نہ مرتے نہ یہ قتل ہوتے. جنگ احد میں جب نقصان ہوا تو منافقین نے یہ باتیں کہیں, یہ پروپیگنڈا کیا, ہم کہتے نہیں تھے مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑنا چاہیے, یہ جہاد میں گئے تھے تو یہ مارے گئے, نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ اس چیز کو ان کی دلوں کی حسرت بنا دیں گے, یہ حسرت ان کے دلوں سے کبھی نکلے گی نہیں, کیونکہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے. حالانکہ اگر تقدیر پر ایمان ہو تو اگر یہ لوگ جہاد پہ نہ جاتے, جو ان کی موت کا وقت تھا اس موت پہ تو ان کو موت آنی ہی تھی, اگر یہ اپنے بستروں پہ بھی ہوتے تو ان کو موت آ جانی تھی. تو بہرحال یہ تقدیر پر ایمان, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے. اور اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے, مصیبت میں صبر نعمت میں شکر, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس میں صبر کرنا یہی بہت بڑا عبادت ہے, بہت بڑی نیکی ہے, نعمت میں نعمت اور نعمت میں شکر, بعض دفعہ لوگ اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. حالانکہ جتنی بڑی نیکی, جتنی بڑی عبادت مصیبت میں صبر کرنا ہے, اتنی ہی بڑی نیکی نعمت میں شکر کرنا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں دو جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا ہے, ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کا, سلیمان بن داؤد, اور ایک سیدنا ایوب علیہ السلام کا. ایک آپ سمجھیے علامت ہیں صبر, پیکرے صبر و رضا, سیدنا ایوب علیہ السلام, بڑی آزمائش آئی, لمبی بیماری کاٹی, لیکن صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. اور دوسرے وہ پیکرے شکر ہیں, سیدنا سلیمان علیہ السلام, اللہ نے اتنا انعام کیا, وہ بادشاہت دی کہ اللہ نے وہ بادشاہت کبھی کسی کو دی ہی نہیں, نہ آئندہ کبھی دیں گے. یعنی انسانوں پر بھی حکومت, جنوں پر بھی حکومت, پرندوں پر بھی حکومت, ہواؤں پر بھی حکومت, ہر چیز پہ حکومت, پوری دنیا ان کے سر نبو ہے اللہ کے حکم سے. لیکن جتنی نعمتیں ہیں اتنے ہی شکر ہے. اللہ نے دونوں کی تعریف کی ہے بہت زیادہ. سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جیسی تعریف ہے دونوں کی, نعم العبد انہ اواب. دیکھیے یہ سورہ سعد میں دو آیتیں, ایک آیت کریمہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے, سورہ سعد آیت نمبر 30. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ, ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے, حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں. نعم العبد, اللہ حضرت سلیمان کی تعریف کرتے ہیں, بہت اچھے بندے تھے, انہ اواب, بہت رجوع کرنے والے تھے. کیا خوبی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی, اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے کسی کو دی نہیں, نہ دیں گے, لیکن وہ شکر گزار ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت نیک بندے ہیں, بہت رجوع کرنے والے ہیں. اور دیکھیے ہو بہو یہی تعریف اللہ تعالیٰ سیدنا ایوب علیہ السلام کی کرتے ہیں, یہ آیت نمبر 44. تو یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 41 سے سیدنا ایوب کا قصہ جاری ہے, وذکر عبدنا ایوب, اور یہ دو تین آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وخذ بیدک ضغثا, اے ایوب اپنے ہاتھ میں ٹہنیاں لے لیں, فاضرب بہ, ایک گٹھا لے لیں. انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا, اللہ اس کا حل بتا رہے ہیں, اس کے ذریعے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں. پھر اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا, ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. حضرت ایوب کی تعریف ہو رہی ہے, نعم العبد انہ اواب, کتنے اچھے بندے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے. ایک جیسی تعریف ہے دونوں کی, سیدنا ایوب علیہ السلام کی, سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. تو یہ نہ سمجھیے کہ مصیبت آئے گی تب ہی انعام ملے گا اگر انسان صبر کرے تو, نہیں, جس طرح مصیبت میں صبر کرنے پر اللہ کا انعام اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے, اسی طرح نعمت
मिलने पर भी ये अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है, बशर्ते कि एक इंसान शुक्र करे जो अल्लाह का तकाज़ा है। मुसीबत नेमत इंसान के लिए तब ऐब बनती है जब इंसान न शुक्री करे तो, या इंसान तकब्बुर करे, तब फिर वो नेमत वबाल बनती है, अल्लाह का अज़ाब बनती है। बल्कि अगर एक इंसान सब्र ना करे तो मुसीबत भी तो अज़ाब बन जाती है। कई लोग मुसीबत के अंदर मायूसी का इजहार करते हैं और मुसीबत के अंदर अल्लाह की जो है वो शिकवे शिकायत, अल्लाह का शिकवा जज़ा फज़ा करते हैं, तो उनके लिए मुसीबत भी अल्लाह का अज़ाब बन जाता है। तो ये देखिए, ये मुसीबत हो ये भी अल्लाह की आजमाइश है, नेमत हो ये भी अल्लाह की आजमाइश है। इन दोनों आजमाइशों में हमारा किरदार इन दोनों चीज़ों को अल्लाह की नेमत भी बना सकता है और इन दोनों चीज़ों को अल्लाह का अज़ाब भी बना सकता है। अगर हम मुसीबत में सब्र करें तो ये मुसीबत नेमत है हमारे लिए, अगर हम नेमत में शुक्र करें तो ये नेमत हमारे लिए नेमत है। बाद हदीस मुबारक से पता लगता है कि मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्र एक बराबर नेकी है। तो बहरहाल दो ही हालतें हैं और जो शख्स दोनों हालतों में मुसीबत में सब्र करे, नेमत में शुक्र करे, तो ये असल में मोमिन है। तो ये असल में लिकुल सब्बारिन शकूर, ये मोमिन से किनाया है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है। इद अंजाकुम मिन आल फिरऊन, जब निजात दी उसने तुम्हें यानी अल्लाह ने, मिन आल फिरऊन फिरऔन की आल से, फिरऔन और फिरऔन के लश्कर से, फिरऔन के साथियों से, यसूमूनकुम सू अल अज़ाब, वो पहुँचाते थे तुम्हें बुरा अज़ाब, बड़ी तकलीफ देते थे, बड़ा अज़ाब पहुँचाते थे। वयुज़बिहून अबनाअकुम, ज़ुल्म तशद्दुद करते थे, ताकत से ज़्यादा काम लेते थे। बनी इसराइल वो मुलाजिम थे, ग़ुलामों ग़ुलाम थे, लोंडियाँ थे, तो बड़ा जुल्म ज़्यादती करते थे। वयुज़बिहून अबनाअकुम, ज़िबा कर देते थे तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयून निसाअकुम, और छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को यानी लोंडियाँ बनाने के लिए, काम लेने के लिए। तो ये ज़िल्लत ही ज़िल्लत थी। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। बलाउन, बलाउन का यहाँ दो माने किए गए। एक माना जो मैंने किया तर्जमा में, इसमें आजमाइश थी। बला का माना आजमाइश, बला इब्तिला इसी से ही होता है, आजमाइश को कहते हैं। तो एक तफसीर ये है कि इसमें ये जो फिरौन और फिरौन के साथ ही बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल तुम्हारे साथ, हज़रत मूसा जिक्र कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ये जो जुल्म ज्यादती करते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे, औरतों को खिदमत के लिए ज़िंदा छोड़ देते थे, तो इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। बला आजमाइश के माने में, दूसरी तफसीर बला नेमत के माने में। क्या बला नेमत के मानों में भी हो सकती है? जी, बला नेमत के मानों में भी हो सकती है। उस सूरत में क्या माना होगा? वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और बेशक इसमें नेमत थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अगर हम बला का माना आजमाइश करें तो उससे क्या मुराद होगी, और बला का माना नेमत करें, ये दोनों तो अब इसमें आप समझे मुतज़ाद माने हैं ना। बला का माना आजमाइश, तो ये तो मुसीबत मुराद होगी, और बला से मुराद नेमत लें तो ये नेमत मुराद होगी, तो दोनों तो उल्ट हो गए। अगर हम बला से मुराद आजमाइश लें तो इसमें इशारा है उस अजाब की तरफ जो फिरौन और फिरौन का लश्कर बनी इसराइल को, मर्दों औरतों को पहुंचाता था, और वो वाकई बहुत बड़ी आजमाइश थी। और अगर बला से मुराद नेमत लें कि इसमें बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब की तरफ से, उससे मुराद क्या होगा कि अल्लाह ने तुम्हें इस इतनी बड़ी मुसीबत से निजात दी, उस निजात की तरफ इशारा है कि कितनी तुम पर सख्त मुसीबत थी, कितना जुल्म सितम होता था, लेकिन देखो अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से भी फिरौन और फिरौन के लश्कर को गर्क करके तुम्हें उससे निजात दे दी, तो उस निजात की तरफ इशारा है। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, बला से मुराद नेमत। और देखें कुरान करीम में बला नेमत के माने में आया है,
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً سورہ انبیاء میں ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی. تو بلا آزمائش, آزمائش اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. اگر بری آزمائش ہو تو مصیبت, اچھی آزمائش ہو تو نعمت. اسی طرح جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے, وہاں بلا نعمت کے معنوں میں ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ سورہ انفال میں دیکھیے, یہاں اللہ تعالیٰ نے بلا کو نعمت کے معنوں میں استعمال کیا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, سورہ انفال آیت نمبر 17. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, تم نے کفار کو قتل نہیں کیا, وہ جو 70 جہنم واصل ہوئے تھے, 70 قیدی بنے تھے, اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. تم نے ان کو قتل نہیں کیا, اللہ نے انہیں قتل کیا, اللہ کے فرشتے اللہ نے انہیں قتل کیا ہے, اللہ نے تمہاری مدد کی ہے, تم اس کو اپنا کمال نہ سمجھو. اگرچہ مومنوں کے ہاتھوں سے ہی ہوا ہے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری اللہ کی کارگزاری. وما رمیت اذ رمیت, اور نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا, ولیکن اللہ رما, لیکن اللہ نے پھینکا. اس سے مراد وہ مٹھی ہے مٹی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کافروں کی طرف پھینکی تھی, اور فرمایا تھا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں. تو یہ معجزاتی طور پر یہ مٹی ہر کافر کی آنکھوں میں گئی تھی, اور کافروں کی شکست کی ایک بڑی وجہ یہ پھینکی گئی مٹی بھی تھی. اللہ فرماتے ہیں اے نبی, یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی, یہ اللہ نے پھینکی تھی. کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان مٹی پھینکتا ہے تو مٹی کہاں تک جا سکتی ہے, ایک دو فٹ, تین فٹ, لیکن یہ مٹی تو ہر کافر کی آنکھوں میں گئی تھی. یہ معجزہ تھا اللہ کا, یعنی جو اس کا اثر اور اس کا نتیجہ ہوا مٹی پھینکنے کا, یہ اللہ کے حکم سے ہوا. ہر کافر کی آنکھوں میں گئی, ہر کافر کچھ دیر کے لیے اندھا ہوا, اور یہ چیز, یہ بھی بڑی وجہ ہے جنگ میں فتح یاب ہونے کی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں آپ کی کارگزاری نہیں ہے, یہ کافروں کو قتل کرنا ہے مسلمانوں, تمہاری کارگزاری نہیں, اللہ کا انعام ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ اللہ آزمائش کریں ایمان والوں کی اپنے پاس سے, بَلَاءً حَسَنًا, اچھی آزمائش. یہ آزمائش تھی اور نعمت والی آزمائش تھی جنگ بدر. تو یہاں بَلَاءً حَسَنًا, یہاں بلا نعمت کے معنی میں, اس کے آگے حَسَنًا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ بلا یا نعمت کے معنی میں, تاکہ اللہ آزمائش کرے سے مراد یا انعام ہے, تاکہ اللہ انعام کرے مومنوں پر اپنے پاس سے اچھا انعام. تو بلا انعام کے معنوں میں بھی آتا ہے, تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں. اگر بلا سے مراد آزمائش لیں تو اس سے فرعون, آل فرعون کا وہ ظلم زیادتی ہوگی, اور اگر بلا ان عظیم سے مراد نعمت لیں تو اس سے مراد اتنی بڑے ظلم زیادتی کے بعد اللہ کا اپنے خاص مدد سے اللہ کا بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے دور کر دینا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دینا, یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور البتہ, اور جب خبردار کیا تمہارے رب نے, اعلان کیا تمہارے رب نے, لَئِن شَكَرْتُمْ, البتہ اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ شکر کی بات کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات بتا دی ہے, اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے, اللہ نے اس بات کی خبر دے دی ہے سب کو کہ نعمت میں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں بھی دوں گا, ضرور مزید نعمتیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو بے شک میرا عذاب تو بڑا سخت ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ, تو تَأَذَّنَ اعلان کرنے کے معنی میں, خبردار کرنے کے معنی میں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تَأَذَّنَ قسم کھانے کے معنی میں, یعنی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جب اللہ رب العالمین نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی. کیا بات؟ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا, یقینی بات ہے. تو بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں, بعض لوگ
सूफी किस्म के लोग वो समझते हैं कि जी बस इंसान को दुनिया में मुसीबत में और आजमाइशों में रहना चाहिए, ये नेमत में नहीं होना चाहिए, नेमत तो मनहूस होती है, नेमत अल्लाह की नाराज़गी होती है। नहीं, वो नेमत अल्लाह की नाराज़गी है कि जो जिस नेमत में इंसान नाशुकरा हो जाए या इंसान मुतकब्बिर हो जाए, इंसान सरकश हो जाए, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, ये वाली नेमत जो है ना, ये काबिले मुज़म्मत है कि कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, इंसान सरकश हो जाता है, अर्राहु इस्तगना, जब वो अपने आप को गनी पाता है। बादशाह लोग, साहिब इख्तदार, साहिब माल लोग अक्सर मुतकब्बिर होते हैं, ये नेमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब है, नहुसत है। लेकिन हर नेमत नहुसत नहीं होती। अगर एक इंसान अल्लाह की नेमत का शुक्र करे तो अल्लाह उस नेमत को भी बाकी रखते हैं और अल्लाह मज़ीद नेमतें भी देते हैं, ये अल्लाह का ऐलान है एक तफसीर के मुताबिक, और एक तफसीर के मुताबिक ये अल्लाह का वादा है। वही ताजदाना रब्बुकुम, अल्लाह ने कसम उठा कर कहा, एक तफसीर ताजदाना से कसम कसम की भी है। हाँ, अगर न शुक्री हो, वाला इन कफर, नेमत के बाद न शुक्री हो, तो फिर अल्लाह का अजाब होता है, फिर वाकई ही ये नेमत मनहूस है, अल्लाह का अजाब है बहुत बड़ा। अगर तुम कुफर करो तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। यानी नेमत के बाद अगर एक इंसान कुफर करे, ना शुक्री करे, तो नेमत छिन जाएगी, अल्लाह की नाराज़गी भी होगी। और अगर नेमत के बाद इंसान शुक्र करे तो उससे न सिर्फ पहली नेमत बाकी रहेगी बल्कि उसमें इजाफा भी होगा, लाजमन अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला सूरा निसा में फरमाते हैं, पाँचवें पारे की आखिरी आयत, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ तो। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो बड़े कदरदान हैं, जानने वाले हैं। अल्लाह को अपने बंदे को नेमत में देकर कोई तकलीफ नहीं होती, अल्लाह को खुशी होती है, बल्कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा, मैं जब उस पर इनाम करूँ तो वो अपनी नेमत का, वो अल्लाह की नेमत का अपने ऊपर इजहार करे, लोगों के सामने शुक्रगुजारी करे, छुपा कर ना रखे, वो नेमत इस्तेमाल भी करे और उसका अच्छा तस्किरा करे लोगों के सामने, फ़ख्र के लिए नहीं, गुरूर के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के इनाम के तौर पर कि देखो अल्लाह ने मुझ पर कितना इनाम किया है, मैं इस काबिल नहीं था। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का आप तज़किरा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो बड़े पुराने गंदे कपड़े पहने हुए, तो आपने पूछा अल्लाह ने तुम्हें माल दौलत नहीं दिया? वो कहने लगा अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, बड़ा इनाम है अल्लाह का। तो आप नाराज़ हुए, फरमाया कि फिर अल्लाह की नेमत के असरात नज़र आने चाहिए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कपड़े फटे पुराने क्यों हैं, गंदे कपड़े क्यों? इन अल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु नि'मतिही अला अब्दिही कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया अल्लाह पसंद करते हैं कि अल्लाह की नेमत के असरात बंदे पर नज़र आए, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो शुक्र करे इंसान। इन्हीं आयात, इन्हीं नसूस को मद्देनज़र रखते हुए उलमा कहते हैं कि अस्सब्र सैदुन व शुक्र कैदुन, सब्र करना शिकार करना अल्लाह की नेमतों का, शुक्र करना उन नेमतों को बाकी रखना है। चलें बस आज के लिए इतना।